इंस्पेक्टर साहब। बैठिए। आपने हमें यहां क्यों बुलाया? देखिए, भविष्य की दिमागी हालत के बारे में जानने के लिए हमने उसके चेकअप के लिए एक डॉक्टर को बुलाया। और हम चाहते हैं कि जब वो रिपोर्ट्स लेकर यहां आए तो आप लोग भी यहां मौजूद रहें। आइए मैडम। रुकिए, आप लोग थोड़ी देर के लिए हमें अकेला छोड़ दीजिए। ठीक है मैडम। गुड मॉर्निंग, हाउ आर यू? कौन हो तुम और क्यों आए हो यहाँ पे? तुमने तो अपने बारे में कुछ बताया नहीं, और मैं कौन हूँ ये तुम जानना चाहते हो। चलो कोई बात नहीं, तुम अपने बारे में कुछ बताओ या ना बताओ, मैं तुम्हें अपने बारे में बता देती हूँ। मैं हूँ डॉक्टर, डॉक्टर प्रीति। मेरा हाथ छोड़ो। छोड़ो। प्रीति, तो मैं प्रीति हूं ना? अब यह हाथ छोड़ने की गलती मैं दोबारा नहीं करूंगा। तुम पहले भी मुझे छोड़कर चली गई थी, लेकिन अब मैं तुम्हें कहीं नहीं जानती। तुम यहां रहोगी अपने भविष्य के पास। मैं तुम्हारी प्रीति नहीं हूं। मैंने कहा ना, मैं तुम्हारी प्रीति नहीं हूं। छोड़ दो मुझे, छोड़ दो मुझे, छोड़ दो मुझे। तुम ही प्रीति हो। मैं तुम्हारी प्रीति नहीं हूं। हेल्प इंस्पेक्टर, छोड़ दो मुझे। पाटिल जल्दी आ, ताला खोल। छोड़ दो, जल्दी आ, ताला खोल। छोड़ दो मुझे, तुम मेरी प्रीति को मुझे नहीं खींच सकते। छोड़ दो मुझे, जान से मार लूंगा। छोड़ दो। प्रीति, मैडम आप जाइए, जल्दी जाइए मैडम। इंस्पेक्टर। क्या हुआ डॉक्टर? वो कैदी भविष्य, वो कैदी नहीं, पागल है। उसकी जगह जेल में नहीं, पागल खाने में है। और आप तो उसके माता पिता हैं ना, उसकी इस हालत के जिम्मेदार आप भी हैं। आप तो उसकी कंडीशन से अच्छी तरह वाकिफ थे,
अगर आपने उसको पहले ही मेंटल असाइलम में पहुंचा दिया होता तो आज उसकी हालत इतनी नहीं बिगड़ती। प्रीति रुक जा, प्रीति प्रीति मुझे छोड़ के मत जा, प्रीति 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 रुक जाओ, प्रीति बच जाओ, प्रीति मुझे छोड़ के बच जाओ। प्रीति देख लीजिए उसकी हालत। भविष्य को छोड़ के बच जाओ प्रीति। नहीं जी पाओगे तुम्हारे बिना प्रीति। छोड़ो मुझे, छोड़ो, नहीं जाऊंगा मैं, मुझे मेरी प्रीति के पास जाना, छोड़ो, चल चल। कोशिश नहीं करना, देख जरा आगे। साहब तुम वहां देखो, तुम भी तो वहां देखो, मैं यहां देखता हूं। ये गाड़ी वाले, गाड़ी हटा, गाड़ी साइड पे कर रहे हैं, साइड कर, हटाता है साहब, हटाता है। ए बैलगाड़ी वाले जल्दी कर, अरे हटा हटा, जल्दी हटा। हटा रहा हूँ साहब। Ah!
दिखाई दिया? नहीं, अंदर जाके देख। हाँ। दिया वो नहीं मिला। चलो फिर थाने चलते हैं। चलो बा, थोड़ी भिंडी और लीजिए ना। लेती तुम भी तो बैठो ना। सावित्री, सभी अपना खाना खुद ले लेंगे। आओ तुम बैठो, हमारे साथ खाना खाओ। आओ जी। इस वक्त कौन हो सकता है? अनु काका जी। मालिक बहुत हैरानी हो रही मुझे देखकर। हाँ, तुम्हें क्या लगा?
कि मुझे जेल भेजकर तुम यहाँ ऐश करोगी? नहीं, देखो मैं वापस आ गया हूं, तुम्हारे सामने खड़ा हूं, जान से मार दूं। हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी मेरे घर में घुसकर मेरी बेटी को धमकी देने की? अगर मेरी बेटी है उसके होने वाले बच्चे को खरोंच तक आई तो तुम्हारा वो हश्र करूंगा कि अपने माता पिता का नाम ढूंढते फिरोगे। छोड़ो ससुर जी, अपनी ये गीदड़ धमकी किशोर को देना, जय शराफत से मेरे रास्ते से हट जाओ, इसे मेरे हवाले कर दो। एसपी पुलिस को फोन करो। पुलिस को बुलाएगा तू? भाई मविशा, पुलिस को बुलाएगा? मविशा छोड़ो। पापा तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे पापा पर हाथ उठाने की? आज तुम्हें हाथ तोड़ी डालूंगा। मेरे पापा पर हाथ उठाता है, मेरे पापा पर। युवराज छोड़ दो। नहीं पापा छोड़ दो, इससे आप पर हाथ उठाया, आज मैं नहीं छोड़ूंगा, मैं इसे इतनी आसानी से नहीं छोड़ूंगा। अबे ओए, तू क्या मुझ पर हाथ उठाते हैं? और बंद कर अपना ये नाटक। हाँ तू जानता है तू किससे दुश्मनी मोल ले रहा है, जो तेरे हर राज जानता है। अगर एक बार भी मुझ पर हाथ उठाया तो मैं और तुम्हारी सो कॉल्ड पत्नी के सारे राज खोल के रखूंगा। राज? कौन से राज की बात कर रहे हो? चलो आज आप लोगों के परिवार की पवित्रता को भंग कर दीजिए। ससुर जी, अगर आपको आपके सुपुत्र की हरकत के बारे में पता चलेगा तो आपके पैरों के नीचे से जमीन फिसल जाएगी। ये लड़की जो आपके सामने खड़ी है, जानते हैं ये कौन है? जिसे आपका बेटा बहू बनाकर इस घर में लाया है, इसकी असलियत जानते हैं कि ये कौन है? नहीं जानते आप, नहीं जानते आप। मैं बताता हूं, ये लड़की जो आपके सामने खड़ी है किसी राजमहल की राजकुमारी नहीं, बल्कि चंद पैसों के लिए, कुछ पैसों के लिए अमीरजादों के सामने नाचने वाली एक कोठे वाली है।